नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चुनाव जो है रोचक मोड़ देता गया। उत्तर प्रदेश की हम यहां बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अपनी कोशिशों में जुटी थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को एक श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती थी। इसलिए मैनपुरी का जो लोकसभा चुनाव था वो काफी, उपचुनाव जो था खासकर, वो काफी महत्वपूर्ण हो गया था समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं दो सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें एक सीट खतौली की जहां तक है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में गई और दूसरी तरफ बीजेपी ने रामपुर की सीट छीन ली। तो ये जो आंकड़ा है उतार चढ़ाव का, ये कम से कम देखने को मिला, लेकिन यहां पर दोनों के लिए कुछ खट्टा मीठा स्वाद लेकर आया। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे पहले खबर को, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव की खाली हुई सीट पर उतारा था। डिंपल यादव को बीजेपी के रघुराज शाक के चुनौती देने में नाकाम रहे। डिंपल की जीत ने समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद कर दिए। मैनपुरी के लोगों ने जो दिया है आशीर्वाद आदरणीय डिंपल जी को, जो दी है श्रद्धांजलि सदे नेताजी को, जो ताकत दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को, उसको धन्यवाद मैं कहूंगा। बहुत छोटा शब्द है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस लायक है मेरा परिवार, जिस क्षमता से और जहां भी रहेंगे, जैसे नेताजी ने हर मौके पर मैनपुरी लोगों के साथ दिया था, आरडी अखिलेश यादव जी उसी तरह से मैनपुरी लोगों के साथ रिश्तों को भी निभाएंगे, उनके संघर्षों में भी साथ रहेंगे और जो पारिवारिक लोगों ने के जो मर्यादाएं, मान्यताएं, रिश्ते और जो भावनाएं कायम है, उन लोगों उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इस जीत को मुलायम सिंह के कुनबे की एकता की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। शिवपाल यादव ने डिंपल के लिए जमकर प्रचार किया था। इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से शिवपाल यादव को मनाने की पहल की थी। दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल यादव ने इस मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय का ऐलान कर समाजवादियों में नया जोश भर दिया है। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साथ संदेश जाता है क्या? साथ संदेश जाता है? आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़े। तो आज शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ आज। लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म होने पर हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा पहले दौर में आगे नजर आए, लेकिन 20वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी के आकाश सक्सेना ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत, ऐतिहासिक विजय दी, उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये साफ हो गया है कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही है, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने नेता आजम खान पर राज्य सरकार की जाती को मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी ने रामपुर में धांधली का आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि प्रशासन ने तिकड़मबाजी से सपा उम्मीदवार को हराया है। हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। रामपुर में शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है। एकदम मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की, और जो शहर के बाहर बूथ थे सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया और बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी के बीच कश्मकश दिखाई दी, लेकिन आखिरी 2-3 दौर में मदन भैया बढ़त बनाने में कामयाब रहे। आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया की जीत को सपा आरएलडी गठबंधन का असर माना जा रहा है। खतौली के उपचुनाव को सपा गठबंधन की मजबूती और असर से जोड़कर देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी को रामपुर में भले ही झटका लगा हो, लेकिन कुल मिलाकर सपा के लिए यूपी के उपचुनाव अच्छी खबर लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
तो खट्टी मीठी कुछ अनुभव यहां पर देखने को मिले। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है तेज रफ्तार पकड़ती हुई शुरुआत में नजर आई, लेकिन रामपुर की जो सीट है उसके हाथ से छिटक गई, इसको किस तरह से वो देखते हैं। दोनों खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भुवन जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन क्या इसे आप पूरी जीत कहेंगे और इस जीत से सीख क्या मिली? देखिए, सर्वप्रथम मैं मैनपुरी की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं आपके चैनल में लगातार जुड़ा रहता हूँ और मैंने शुरू से कहा था कि माननीय डिम्पल यादव जी इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि जो वहां की आवाम है उसने तय कर लिया था कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और वो भी वोट के रूप में देंगे, आखिरी श्रद्धांजलि, और उसने करके दिखाया। इसके साथ साथ जो पार्टी ने फैसला करा था आधी आबादी को माननीय डिम्पल यादव जी के रूप में नेतृत्व देने का, उसने भी सोने पे सुहागा का काम करा और जो वहां की जो महिलाएं थी उनमें बड़ा उत्साह था कि माननीय डिम्पल यादव जी को वोट करके और उनसे आसानी से मिल सकती है, जुड़ सकती है, अपनी बात रख सकती है। तो इस तरह का फैसला था, पारिवारिक एकता थी और सबसे बड़ी बात नेताजी ने उस बैरियर को तोड़ा पक्ष और विपक्ष का। उनको पक्ष के लोगों ने तो मतदान करा ही करा, विपक्ष के लोगों ने भी मतदान किया, क्योंकि उनका उनके पास कोई पहुंच गया तो उन्होंने उसका काम करने का जो जीवन भर में जो उन्होंने करके दिखाया, तो उसका प्रतिफल ये था कि आज वहां पर माननीय डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाए। ठीक देवेंद्र जी, उम्मीदें बहुत थी भारतीय जनता पार्टी को, दावे बहुत बड़े बड़े थे भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाएंगे। कम से कम अगर हम रामपुर की तरफ देख लें और इससे पहले के चुनाव देख लें तो उसमें कोशिश जरूर की थी भारतीय जनता पार्टी। यहां आपके पास क्या कमी रह गई? अगर वो अपने गढ़ में रघुराज शाह जो है ठीक तरीके से वोट हासिल नहीं कर सके, अपने ही गांव में अगर उनकी बात की जाए। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती, और आज बहुत शानदार दिन था जिस तरह से हमने नतीजे देखे हैं पूरे देश में, अब अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग नतीजे आए, सब बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छा दिन इसलिए भी कहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव हुए, किसी प्रदेश में कहीं कोई किसी तरीके का झगड़े का या इस तरीके का जो पहले चुनाव में होता था वो नहीं था। जनता ने बहुत दिल खोल के अपना समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विशेष दिन है, खुशी का दिन है। और हार और जीत दो चीज लगी रहती है, कहीं जीतते हैं तो कहीं सीखने को मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जिस तरह से रामपुर का या खतौली का या डिम्पल जी जो हमारी सांसद बनी है उनके लिए भी हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी भी जीत हो वो स्वीकार करनी चाहिए। और मैनपुरी नेताजी का गढ़ था, ये सारा देश जानता है, प्रदेश जानता है, और अच्छे राजनेता थे। और हमें इस बात की भी खुशी है कि जनता का डिसीजन था तो जनता ने जो किया वो स्वीकार किया, लेकिन पहले से पहले ही आपने देखा जब चुनाव होने के बाद भी लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है सरकार ने निष्पक्षता और ईमानदारी से काम किया, जो सरकार ने काम किया उसी का परिणाम आज जो आया है उसका स्वागत भी हम सब करते हैं। हमने बहुत अच्छी रामपुर की जीत, कोई हमारे लिए छोटे उत्साह की जीत नहीं है, कुछ जगह दो सीटों पर सीखने की जरूरत है, अभी हमारे पास समय उस पर सीखेंगे। और लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह के आरोप रामपुर में लगे हैं उससे लोकतंत्र की खूबसूरती को कभी कभी दाग भी लगता है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि पूरी तरह से कहीं खूबसूरती है कहीं नहीं है? रविंद्र सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वही आपने वो कर दिया, मुझे पता था मुझे जाना भी यही था। और मैं यही भुवन सिंह जी हमारे साथी बैठे हैं, वरिष्ठ साथी है, और हम डिबेट में साथ भी रहे, कई बार रहते भी हैं। अब ये चीज, अगर ये सारी चीज यहाँ कहने की बात है, बहस का विषय बने, तो खतौली में भी हमारा प्रशासन था और नेताजी की सीट पर भी हमारा प्रशासन था और पूरे देश में हमारा शासन प्रशासन था, आपने देखा है, हम हिमाचल में भी हमारा था, लेकिन हमने यही तो चीज की है, यही तो मैसेज दिया है कि विपक्ष हारने के बाद जो चिल्ला था वो चिल्लाना बंद करे। ये सब कुछ जो है ईमानदारी की पारदर्शिता की बात थी कि जिसको जनमत मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। रामपुर हमारे लिए बड़ी जीत है, वो हमारे लिए विशेष दिन है, उस पर हमारी पार्टी ने नया कुछ किया है, और जहां हमारी सीट पर दिक्कत आई है वहां हम मंथन करेंगे निश्चित,
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी पर उंगलियां उठाई जा रही थी, गुजरात जो इतिहास रचा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन और हमारे काम पर मोहर भी है। भुवन जी ठीक है, भुवन जी देवेन ठीक है, देवेन जी आते हैं। प्रोफेसर भुवन साहब, उन्होंने कहा है कि जहां जीत जाए वहां तो कोई परेशानी नहीं आपको, लेकिन जहां हार जाए वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए कि लोकतंत्र की लाज नहीं रख रही है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? रविंद्र जी, चुनाव परिणाम के बाद अगर कोई बोले तो मुझे लगता हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन परिणाम आने से पहले और आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना हावी है और जिस तरह की तस्वीरें आई और वो सोशल मीडिया में तैरी और कुछ स्वस्थ चैनलों ने उसको दिखाने का काम करा, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ रामपुर के परिप्रेक्ष्य में आजाद भारत में इतना इससे कम मतदान रामपुर में कभी नहीं हुआ। एक धर्म विशेष के लोगों को चुनाव में सहभागिता से रोका गया, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाले और वोट कराए, लेकिन वही प्रशासन उन्हें रोकने का काम करता। निश्चित तौर पे कभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, अन्य पार्टी भी जीतेगी, लेकिन मजा उसमें है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान ये जिंदा रहना चाहिए। ये कोई प्रदेश और देश इससे नहीं बनने वाला, ये स्वस्थ परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ। नहीं, लेकिन देवेंद्र जी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई बाकी जगह भी तो प्रशासन उन्हीं का था, अगर देखा जाए सरकार में वो है तो बाकी जगह भी कर लेते। रविंदर जी, जो हमारा पॉलिटिकल राइट था या जो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण हमने इस विषय को न्यायालय में भी रखा कल, और हमने बार बार चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने को कहा है उस विषय पे, और हमने कल ही कह दिया था कि रामपुर का चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, ये मांग भी हमने करी थी। निश्चित तौर पे ये पहले की घटना है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें बहुत मजबूती से अपनी बात को रखने का काम कर रही है। अगर हम आज कहते तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सही होती, लेकिन हमने पहले ही रामपुर के परिप्रेक्ष्य में कर दिया था कि वहां के चुनाव को भंग कर दिया जाए। तो देवेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो चीजें झूठ नहीं बोलती, कुछ जगह तो बातें दब जाती हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई, जो खबरें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? और इससे ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की खबरें सामने आई, इससे पहले भी ब्लॉक स्तर पर जब चुनाव हुए तो किस तरह की खबरें आई थी, किस तरह की तस्वीरें आई थी, किसी महिला की साड़ी खींच दी गई थी, उसको वोट डालने नहीं जाने दिया गया था, पर्चा भरने नहीं दिया गया था, इस तरह की भी तस्वीरें आई, एक्शन कुछ नहीं होता। नहीं देखिए, तस्वीर आना अलग बात है, तस्वीर के लिए उसे नकारा भी नहीं जा सकता, तस्वीर किसी स्थिति में कहां आई है रविंद्र जी, उस पर भी ठीक है बात की है। अगर उनके पास के भुवन सिंह जी भी आप बात कर रहे हैं, वो चले गए हैं कोर्ट में, और मैं भी इस बात को कहता हूं, अगर एविडेंस के साथ जाया जाएगा तो निश्चित उन्हें कहीं शक लगता है तो बिल्कुल आप जो है जाइए, लेकिन किसी पार्टी पर इंगित करना, ये लोकतांत्रिक जो मैं बात करता हूं हर बार, मैं उसकी बात भी कर रहा हूं, ये संविधान में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सरकार के अलग विपक्ष के लोग भी जो हैं उस प्रक्रिया में जा सकते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं इस बात को, जहां आपको गलत लगे वहां जाइए, लेकिन मैं साथ साथ उसी चीज को बार बार दोहराता हूं, अगर प्रशासन के पास इतनी ही ताकत है और इसी तरह से चुनाव जीते जाते हैं, पहले भी सरकारें रही हैं लगभग 60-60 वर्षों तक इस देश में दूसरी सरकारों ने राज किया है, अगर इसी तरह से सरकार बन जाए जैसे हमारे मित्र बता रहे हैं, ऐसे ही रोक रोक कर सारे काम किए जाए, फिर हमको कौन आने देता, फिर हम कैसे इस देश में इस तरह से आते। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है, और जिस तरह से आशीर्वाद मिला है, दो सीट जीती हमने, उस पर बधाई दी है, लेकिन देखिए अब इस पर ये अगर यही गुजरात में जाकर एक नजर आप देख लें, दिल्ली का बहुत क्लोज चुनाव हुआ है, अगर दिल्ली हार जाते तो अभी मुझे लग रहा है एक चीज नहीं जिक्र नहीं हुई, नहीं तो ईवीएम भी हैंग हो सकती थी, ईवीएम पर भी सवाल उठते, वो नहीं उठ रहे हैं आज दूसरी चीज उठ रही है, मतलब खतौली से ज्यादा रामपुर की सीट ज्यादा प्यारी थी आपको, इसलिए वहां पर सारी चीजें इस्तेमाल हो गई, ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये इनका कहने का, देखिए सीट तो सीट होती है, सीट का एक का अधिकार जितना खतौली का सरकार की ताकत प्रदान करती है, खतौली की सीट इतना ही रामपुर की भी करती है, इतनी ही आप जो है वहां कुछ ऐसी जोर आजमाइश देखने को नहीं मिली क्या? राजकुमारी सैनी से उतना लगाव नहीं था, वो प्रत्याशी इतनी लोकप्रिय नहीं थी आपके लिए, जबकि पूरी जान एक तरफ लगा दी गई रामपुर में?
नहीं, राजकुमारी जी के चुनाव को लेकर, प्रबंधन को लेकर जिस तरह सरकार ने चुनाव लड़ा था, सेम पोजीशन थी। जितना संगठन वो काम कर रहा था, पश्चिम में जो सीट लग रही थी और पश्चिम का हिस्सा आ रहा था, और जिस तरह से संगठन यहाँ काम कर रहा था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक पूरी जितनी बॉडी है, जितना हमारा होता है सिस्टम, जिस तरह से जो उप मुख्यमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग या प्रोग्राम हुए, पूरा विधानसभा सेम थे, बराबर थे दोनों में, दोनों को कोई ऐसी बात नहीं थी। जिस तरह से चुनाव प्रबंधन होता है बराबर हुआ था। हार जीत जो है वो जनता के हाथ का बात है, अब ये मैं कहना नहीं चाहता इसमें। आज ये कोई ऐसा ज्यादा बड़ा दिन भी नहीं है रविंद्र जी कि इस पर ऊटी निकाले। आज भुवन सिंह जी के लिए भी अच्छा दिन है कि उन्हें कहीं ना कहीं से संजीवनी मिली है, और उस संजीवनी से वो पहले रात रात अपना इलाज करें, क्योंकि 2024 सर पर है, और हमें भी थोड़ा सा जो है ये नहीं तो आगे 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 देवेंद्र जी दिक्कत ना हो जाए, वो अपना इलाज तो कर ही लें, साथ में कुछ और भी इलाज कर दें। नहीं मिला नहीं, क्वेश्चन दोहराइए रविंद्र जी एक बार। मैं कहना चाह रहा हूँ वो अपना इलाज तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ साथ में वो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हम और भी कई चीजों का इलाज कर देंगे। अगर वो मैनपुरी ले गए हैं और खतौली ले गए हैं तो हो सकता है कहीं आगे आगे ना बढ़ जाए। वो संजीवनी कभी कभी काम आ जाती है, अधिकार है लोकतंत्र, वो अधिकार है उनका, वो प्रयास होता है। देखिए लोकतंत्र में यही है, राजनीति में ये एक प्रक्रिया है कि हर आदमी का मेहनत, जिसकी मेहनत जैसी होती है उसको उतना फल मिलता है। तो मैनपुरी में क्या कमी रह गई, मैनपुरी में क्या कमी रह गई? कोई कमी नहीं रही, नाली नेताजी की सहानुभूति साथ थी, इसे स्वीकार भी करना पड़ता है, कभी कभार भावात्मक चीज को नकारा नहीं जा सकता। नहीं तो ये जीत समाजवादी पार्टी को, इसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी को देंगे आप, उनकी परिवार की एकता को देंगे आप, या जो बाकी दल है उन्होंने वॉकओवर दे दिया कांग्रेस और बीएसपी ने उसको देंगे आप? नहीं, नेताजी के साथ लोगों की जो सहानुभूति थी, माननीय नेताजी को जो लोग पसंद करते थे, जमीनी नेता थे, इसमें कोई वो नहीं है, जमीन से उठे हुए थे, धरती पुत्र तक की उपलब्धवादी उन्होंने पाई थी, वो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी पुत्रवधू थी आदरणीय डिंपल जी, उनको लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। न किसी की कोई मेहनत का परिणाम है ये, ना किसी का कोई प्रबंधन है, सीधी सीधी बात है, जनता भावुकता के तौर पर ऐसे डिसीजन हमेशा करती है और होते हुए आए हैं, इसे नकारा नहीं जाता। ठीक है भुवन भास्कर जोशी जी, देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश यादव को यह गलती का एहसास अगर पहले हो जाता तो शायद इस तरह के परिणाम नहीं होते और यूपी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो कुछ और ही होते। अब जिस तरह के उन्होंने रवैया अपनाया है शिवपाल यादव को लेकर, वो अगर पहले कर लेते तो मुझे लगता कि शायद खुशी कई गुना बढ़ जाती। रविंदर जी, आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आप मानेंगे कि देश काल समय परिस्थिति ये सार्वजनिक जीवन में भी होती है, राजनीतिक जीवन में भी होती है और पारिवारिक जीवन में भी होती है। आज जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, और आज तो माननीय शिवपाल जी ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। आज हम सब समाजवादियों के लिए, पूरे देश के लिए। अब ये वाली जो कहावत जो आपने बोली ना, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है, जरा कांग्रेस की तरफ देख लीजिए, वो वहां पर दिक्कत ही आ रही है। हिमाचल में जीत तो गए हैं लेकिन अब वो कुर्सी बचाएं कि विधायक बचाएं, तो वर्तमान अच्छा है जरूरी है, भविष्य अच्छा है। पुनः पुनः आपको सख्त पत्रकारिता के लिए प्रणाम। ऐसे पत्रकार कमी बचे देश में, आप उस पीढ़ी को आगे ले आते हैं जो सख्त पत्रकारिता करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज हम सब समाजवादियों के लिए दिवाली वाला दिन है, क्योंकि परिवार एक है। मैनपुरी में नेताजी को वहां की महान जनता ने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। निश्चित तौर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब मामला कोर्ट में है और रामपुर के विषय में, और चुनाव आयोग पे हमने लिखित में शिकायतें दी है, और जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी चीज से दी है, और वो सारी लिखित में आजकल कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता, सोशल मीडिया का समय है। और निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ भी खतौली में हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है, निश्चित तौर पर समाजवादियों के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाला। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल जी मिलकर, माननीय डिंपल यादव जी, सब लोग मिलकर, ठीक है। चलते 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 एक बात और बता दीजिए, 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे कि चाचा के पीछे अखिलेश चलेंगे, मतलब चाचा के पीछे भतीजा चलेगा, भतीजे के पीछे चाचा चलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में नेताजी नहीं है, जो मैंने देश काल समय पर स्थिति कही है। आप निश्चित तौर पर वो हमारे संरक्षक की और हमारे बड़े गाइड की भूमिका को अदा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल
समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने जीत दर्ज की है, मेहनत हमारी रंग लाई है, परिवार में एकता बनी है और ये आगे भी बनी रहनी चाहिए क्योंकि ये एक बूस्टर डोज के तौर पर साबित होगी और यही परिवार की एकता वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। ये जो बात कर रही है उम्मीद ऐसी ही की जा रही कि आगे भविष्य अच्छा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का जनाधार मिल रहा है, भले ही उपचुनाव में अपनी सीट उसने गंवा दी हो एक, लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा है कि रामपुर में एक सीट जो है वो छीन ली है। वो हालांकि कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, देखना यह होगा कि क्या यहां से समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन उसे वापस मिल पाएगी क्योंकि अब 2024 का भी चुनाव नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।